हस्तीव अरण्य बचाने की मुहिम हुई तेज, आदिवासी समुदाय का संघर्ष जारी, खनन रोकने के लिए किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 हुआ जारी, भारत को मिला 180 देशों में से 176वां स्थान, जैव विविधता संरक्षण के मामले में भारत की स्थिति चिंताजनक। संस्कृति मंत्रालय का बड़ा ऐलान, फिर से शुरू किया जाएगा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, पांडुलिपियों के लिए मेटा डेटा बनाना होगा मकसद। यूएनईपी ने जारी की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024, तापमान वृद्धि पर जताई गंभीर चिंता, पेरिस समझौते का 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य जल्द हो सकता है विफल। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, लॉन्च हुआ ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस, पारिस्थितिकी तंत्रों का करेगा मानचित्रण। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। हाल ही में हस्तीव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल इस क्षेत्र में कोयले की खनन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है, जिसके चलते हस्तीव अरण्य कोयला क्षेत्र में हजारों पेड़ काटे जाने की आशंका है। हालांकि स्थानीय आदिवासी समाज ने साल 2011 में इस परियोजना को अनुमति मिलने के बाद से ही आंदोलन शुरू किया था। बता दें कि हस्तीव अरण्य को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यह एक विशाल और समृद्ध जंगल है जो पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के मुताबिक यह मध्य भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो प्राचीन साल यानी शूरिया रोबस्टा और सागौन जैसे घने जंगलों से ढका हुआ है। गौरतलब है कि हस्तीव अरण्य कोयला क्षेत्र लगभग 1800 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिलों को कवर करता है। इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं, जो इसे पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए खास बनाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हस्तीव कोयला क्षेत्र में 9 प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है। इनमें हाथी, तेंदुआ, स्लोथ बियर, भारतीय ग्रे वुल्फ, हनी बेजर, चार सिंह वाला मृग, भारतीय पेंगोलिन, विशाल गिलहरी और चित्तेदार बिल्ली शामिल है। हस्तीव में पक्षियों की 92 प्रजातियों और 25 विभिन्न स्तनधारी 16 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। यह हाथियों के लिए एक आवास के साथ साथ एक गलियारा और बाघों के लिए एक गलियारा भी है। हाल ही में जैव विविधता के 16वें सम्मेलन में ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस की शुरुआत की गई। इस शुरुआत को पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि एटलस को ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह दुनिया भर की पारिस्थितिकी तंत्रों के मानचित्रण और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपनी तरह का पहला उपकरण है। बता दें कि एटलस में मौजूदा राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र मानचित्रों को सम्मिलित किया गया है, साथ ही इसमें पृथ्वी अवलोकन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्षेत्रीय डेटा संग्रह जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की दिशा में योगदान देना है, जिसमें 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने और पुनर्स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह एक खुला स्रोत होगा जो सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होगा। यह विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य और जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करेगा। इससे सरकारों, व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और स्थानीय समुदायों को टिकाऊ प्रबंधन के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD COP16 का आयोजन कोलंबिया में किया गया। यह सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता हानि को रोकने और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कार्य योजना तैयार करना है। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति है, जो प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को एक साथ लाता है। इस वर्ष सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF के तहत निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा की गई। हाल ही में ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 176वां स्थान मिला है, जो कि जैव विविधता संरक्षण के मामले में भारत की चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। गौरतलब है कि सूचकांक में भारत का स्कोर 100 में से 45.5 है। 180 देशों की रैंकिंग में भारत को नीचे से क्रमशः किरिबाती, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया के साथ 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूमि प्रबंधन और जैव विविधता की रक्षा में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं,
इस रैंकिंग में भारत के बेहद नीचे होने का कारण देश में भूमि की खराब प्रबंधन, संसाधनों की कमी और समुद्री संरक्षण में केवल 0.2% जल क्षेत्र का संरक्षण शामिल है। यह रिपोर्ट भारत को जैव विविधता संरक्षण में ठोस कदम उठाने और कानूनी सुधार की दिशा में प्रेरित करती है। बता दें कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स बीन गुरियन विश्वविद्यालय के गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटा को बनाए रखने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी वेबसाइट biodb.com द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक मुख्यतः 4 बिंदुओं पर आधारित है: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता पर खतरे, क्षमता व शासन और भविष्य के रुझान। यह सूचकांक इस बात का भी मूल्यांकन करता है कि किसी देश का भविष्य में जैव विविधता की सुरक्षा में योगदान किस प्रकार होगा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एक डेटा संचालित विश्लेषण है जो संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने में प्रत्येक देश की प्रगति का आकलन करता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि को 7% पर स्थिर रखा है। IMF का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती उपभोक्ता मांग भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही IMF ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को 6.5% पर अनुमानित किया है। IMF की यह भविष्यवाणी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। बता दें कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वर्ष 2023 में भारत की GDP $3.7 trillion से अधिक थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात करें तो यह एक वैश्विक संगठन है जो 191 सदस्य देशों के साथ काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। IMF आर्थिक नीतियों और वित्तीय सहायता के माध्यम से देशों को आर्थिक संकटों से उबरने में मदद करता है। गौरतलब है कि यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी करता है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 मनाया गया। यह दिवस हर साल 24 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग के लिए स्थापित किया गया था। आज यह दुनिया भर में मानवीय सहायता, मानवाधिकारों की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वर्ष इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष समाधान पर चर्चाएं आयोजित की गईं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शब्द पहली बार 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में इस्तेमाल किया गया था। इस शब्द को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिया था। संगठन की शुरुआत 51 सदस्य देशों से हुई थी, जबकि वर्तमान में इसके लगभग 193 सदस्य हो गए हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके गठन के बाद से ही भारत इसका सक्रिय सदस्य रहा है। वहीं भारत ने शांति स्थापना अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें उसने 50 से अधिक शांति अभियानों में अपनी सेना और पुलिस बल के साथ भाग लिया है। इसके माध्यम से भारत ने कांगो, लेबनान और दक्षिण सूडान जैसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व बनाने में सहयोग किया है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही इसे एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां इस नए निकाय का नाम राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण रखे जाने की बात भी की गई है, जो मंत्रालय के अधीन काम करेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक हिस्सा है। बता दें कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा फरवरी 2003 में की गई थी। इसे भारत में पांडुलिपियों के विशाल संग्रह की खोज और संरक्षण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, जो विभिन्न विषयों, लिपियों, भाषाओं और कलात्मक शैलियों से संबंधित होते हैं। इसका लक्ष्य उपलब्ध 5.2 मिलियन पांडुलिपियों के लिए मेटा डेटा बनाना है, जबकि 3 लाख से अधिक शीर्षकों का डिजिटलीकरण भी करना है। हालांकि अभी केवल 1/3 ही अपलोड किए गए हैं। वहीं जिन जिन मुद्दों पर गौर किया गया है उनमें डिजिटल मेटा डेटा और पांडुलिपियों के बीच बेमेल तथा सीमित पहुंच शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि मेटा डेटा एक तकनीकी शब्द है या किसी डेटा के बारे में विवरण, संरचना और विशेषताएं प्रदान करता है। इसे डेटा का डेटा कहा जाता है। इसका उद्देश्य डेटा की पहचान, उचित जगह और उपयोग में सहूलियत प्रदान करना है। हाल ही में नासा के परसीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर हरे रंग के धब्बों की खोज की है। इस खोज ने मंगल पर जीवन की संभावनाओं को लेकर नए शोध को जन्म दिया है। ये हरे धब्बे लाल चट्टानों में पाए गए, जो धरती के प्राचीन रेड बेड्स से मिलते जुलते हैं। रेड बेड्स तलछटी चट्टाने होती है जिनमें आमतौर पर बलुआ पत्थर,
सिल्ट स्टोन और शेल शामिल होते हैं जो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से लाल रंग के होते हैं। बता दें कि ये हरे धब्बे जिजेरो क्रिकेट के सरपेंटाइन रैपिड क्षेत्र में खोजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि हरे रंग का धब्बा मंगल ग्रह पर जीवन संकेतकों से जुड़ा हो सकता है। इन धब्बों के आधार पर इस ग्रह पर पानी की मौजूदगी और जैविक या रासायन प्रतिक्रियाओं की संभावना जताई जा रही है। परसीवरेंस रोवर का उद्देश्य मंगल की भूवैज्ञानिक संरचना को समझना और वहां जीवन के संभावित संकेतकों की खोज करना है। नासा के अलावा ESA, इसरो और UAE के मिशन भी मंगल की संरचना, वातावरण और जीवन की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। बता दें कि मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है और इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहाँ पर जल की मौजूदगी के प्रमाण मिल चुके हैं जो इस ग्रह पर भविष्य में मानव जीवन की संभावनाओं का संकेत देते हैं। मंगल पर पृथ्वी की तुलना में लगभग 38% गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। बता दें कि मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। वहीं रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने का पेरिस समझौते का उद्देश्य कुछ वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा, जहां 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा भी पार होने का खतरा है। दरअसल इसके पीछे की वजह ग्रीन हाउस गैसों में हो रही तीव्र वृद्धि को माना जा रहा है। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 डिग्री के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए न्यूनतम 42% की कमी की आवश्यकता थी, लेकिन लक्ष्य को बनाए रखने के लिए 2035 तक कटौती को बढ़ाकर 57% करना होगा। गौरतलब है कि 2023 में वैश्विक उत्सर्जन पिछले वर्ष की तुलना में 1.3% अधिक हो गया है, जबकि शीर्ष 3 उत्सर्जकों में से 2 चीन और भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्रमशः 5.2% और 6.1% की वृद्धि हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि UNEP पर्यावरण पर आने वाला एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसके नीति निर्माण का कार्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा संचालित होता है। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। यह विभिन्न महत्वपूर्ण रिपोर्टों का प्रकाशन करता है, जिनमें वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, वायु गुणवत्ता पर कार्यवाही, फ्रंटियर्स रिपोर्ट और अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट शामिल है। ये रिपोर्टें पर्यावरणीय मुद्दों की गहरी समझ और समाधान के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। बीते दिनों भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने नई दिल्ली में स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी नौसेना के स्वदेशीकरण और नवाचार पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इस 2 दिवसीय सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों और स्टार्टअप समूहों ने अत्याधुनिक तकनीक जैसे निगरानी, स्वायत्त प्रणाली, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी के उत्पाद का प्रदर्शन किया। बता दें कि इंडियन नेवी लगातार स्वदेशीकरण पर जोर दे रही है। स्वावलंबन 2024 जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना है, जिसमें विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSMEs एवं स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की जाती है। इस आयोजन में नई स्वायत्त प्रणालियों और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों का एक प्रमुख अंग है, जो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी और इसके वर्तमान बेड़े में आधुनिक पनडुब्बियां, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट और उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस जहाज शामिल है। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य च नो वरुण यानी समुद्री देवता हमें आशीर्वाद दे है। नौसेना की संचालन इकाइयों में वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न नेवल कमांड प्रमुख है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। हसदेव अरण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। 2. यह मध्य भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। 3. इसका विस्तार छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस सूचकांक में भारत को 176वां स्थान मिला है। 2. इस सूचकांक में कुल 190 देशों का मूल्यांकन किया गया है। 3. यह सूचकांक प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा फरवरी 2003 में की गई थी। 2. यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक हिस्सा है। 3.
इसका मकसद पांडुलिपियों के विशाल संग्रह की खोज और संरक्षण करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वैश्विक संगठन है जो 191 सदस्य देशों के साथ काम करता है। दो, इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। तीन, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यूएनईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पर्यावरण पर आगे आने वाला एक वैश्विक प्राधिकरण है। दो, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तीन, इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में भारत की कोकीन कोल आयात में बड़ा उछाल देखा गया, जो 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024 में यह 58 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। आयात में बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारत में इस्पात उद्योग की बढ़ती मांग है। दरअसल भारत इस्पात उत्पादन में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस्पात मामलों के आंकड़ों के अनुसार भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 की छठी तिमाही में लगभग 73 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में प्रवासी परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि भारत सऊदी संबंधों में सांस्कृतिक समन्वय को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल अजाज खान ने किया। 3 दिवसीय स्टेट डेज उत्सव में उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात सहित 12 भारतीय राज्यों ने अपने विशिष्ट संस्कृति, नृत्य, संगीत और व्यंजन प्रदर्शित किए। इसके साथ ही गजल नाइट और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रवासियों ने उत्साह से भाग लिया। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की है। यह गणना हर 5 साल में आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य भारत में पालतू पशुओं, मुर्गियों और आवारा पशुओं की संख्याओं का आकलन करना है। इस गणना में प्रत्येक पशु की प्रजाति, नस्ल, आयु, लिंग और स्वामित्व की स्थिति का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा। बता दें कि 1919 से शुरू होकर अब तक 20 गणनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से अंतिम 2019 में संपन्न हुई थी। 21वीं पशुधन गणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच चलेगी और इसमें पूरे भारत के लगभग 30 करोड़ परिवारों को शामिल करने की योजना है। इस जनगणना में कुल 16 पशु प्रजातियों की गणना की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष समारोह व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को सशक्त बनाना की थीम पर आधारित है। यह भारत सरकार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सूत्री एजेंडे के अनुरूप है, जो आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए समावेशी और सक्रिय कार्यों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इस मौके पर मुख्य विषय पर केंद्रित 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। हाल ही में सरकार ने नई दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 5 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान और प्रति घंटे नई जानकारी मिलेगी, जिससे ग्रामीण समुदाय कृषि गतिविधियों की बेहतर योजना बना सकेंगे और मौसम संबंधी जोखिमों के लिए तैयार हो सकेंगे। बता दें कि इसे पंचायती राज मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पहल ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करेगी। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 मनाया गया। यह दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए वैश्विक मिशन है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पोलियो, एक अपंग और संभावित रूप से घातक संक्रामक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बता दें कि इस दिवस की स्थापना रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल्क के जन्म दिवस की याद में किया गया था, जिन्होंने 1950 के दशक में इस बीमारी के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। गौरतलब है कि पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है और कुछ ही घंटों में पूर्ण लकवा का कारण बन सकता है।
हाल ही में भारत की रचेल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। वे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। साल 2013 से शुरू हुआ ये कॉम्पिटिशन थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें 70 देशों ने हिस्सा लिया था। रचेल को पिछले साल मिस ग्रैंड इंटरनेशनल विनर रही लुसियाना फर्स्टर ने ताज पहनाया। 20 साल की रचेल ने इस ताज के साथ खास अचीवमेंट हासिल कर ली है। बता दें कि भारत ने 11 साल के बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीता है। इससे पहले रचेल गुप्ता ने 2022 में मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता था, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी लगातार भागीदारी को दर्शाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी NCC ने दीपक अग्रवाल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी निफेड का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। बता दें कि निफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है और कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। वहीं यह किसानों के उत्पादों को उचित दाम पर बेचने में सहायक है और विभिन्न फसलों के भंडारण, परिवहन और विपणन में सहकारिता की भूमिका निभाता है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।